एल्विस भाई वेलकम कस्टम हिला रखा है वेलकम है वेलकम आई स्वर मैं कैमरा बहुत टाइम बाद होल्ड कर रहा हूं जी।, जी मेरे को जिंदगी में पहली बार मौका मिला एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाने का और मेरे चैनल पे आप बड़े टाइम से ट्रैवल तो देख ही फिर चाहे वो मेरी माता के साथ की रोड ट्रिप हो या फिर एक मोटरसाइकिल पर यूरोप की खूबसूरत सड़कों पर मोटर व्लॉग इंग्लैंड के म्यूजियम हो जहाँ मैं अपनी माताजी को नूर दिखाने ले गया या फिर मेरी घर वाली के साथ दुनिया भर के बट आज हम एक ट्रेवल ब्लॉग शूट करेंगे बिग बॉस ओ टी टू के घर में जहा पे फिनाले वीक चल है और उसके अंदर रहने वाले लोगों ने पूरे इंटरनेट पे धूम मचा रखी है चले जरा उनसे मिलते हैं मुझे थोड़ी सी वेट करनी है वैनिटी वैन के अंदर जो मैं आपको सिर्फ अंदर से ही दिखा सकता हूं अब जी फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसी एनवायरनमेंट में जा रहा हूं जहां की कंप्लीट शूटिंग और एडिटिंग का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है कि आई कैन नॉट चूज व्हाट विल गो ऑन द वीडियो एंड व्हाट विल नॉट कई बार मुंह से कुछ निकल जाता है जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होता बंदा बाद में वेरीफाई करके उस पार्ट को हटा सकता है कई बार कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ बिना सोचे समझे बोल जाता है वो सारी चीज़ें बस मेरे को उस चीज़ की मेन घबराहट है कि पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ भगवान से दुआ मांग के आया था कि बाबा जी इज्जत हो तो हती है क्योंकि ये एनवायरमेंट ऐसी है जिसके अंदर आप अगर थोड़े से जो, जो है ना अलर्ट ना हो तो गड़बड़ हो सकती है पर्टिकुलरली जब कंट्रोल आपके हाथ के अंदर ना हो बाकी तो आप लोगों का सपोर्ट तो भाई कोई गलती फूल चुकेगी तो आप तो माफ़ कर दोगे मगर सोशल मीडिया इन जनरल थोड़ी सी ब्रूटल चीज है इसलिए थोड़ा सा घबरा रहा हूँ नॉन डिस्कलोजर भाई जी, इतनी सकता है कि आंखों पर पट्टी लगा के बैठना पड़ेगा मैम थोड़ी सी कस दो वरना गिरगी तो आप तो में आ जाओगे लूज है पहले जी आगमन हो गया बिग बॉस के हाउस के अंदर और सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड रियली अप्रिशिएट आप लोगों की पेशेंस क्योंकि सब चीजों से कट ऑफ होके आई मीन बियॉन्ड द कॉम्पिटिशन वट आई इमेजिन इज लाइक बींग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया क्ट में इतने टाइम सकना क्योंकि मेरी अगर तेरह घंटे की फ्लाइट हो कनेडा या यू एस ए की तो आई फील हैंडीकैप्टनक्शन क्योंकि हमारी हॉबी प्लस हमारा काम भी वैसा एंड ऑल ऑफ यू गाइज फ्राम डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन लाइफ स्टाइल एंड एवरी थिंग एल्स रियटर हार्डवर्क ऑफ यू आपकी कॉम्बिनेशन वाकई बहुत अच्छी लग रही है ब्लैक एंड वाइट

In the capital region, yes. yes. My wife is from Montreal though. I that's beautiful. खुश कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपको अगर अपनी पसंद लाइफ में ऐड करने वाला वैल्यू ऐड करने वाला पार्टनर मिल जाए तो फिर आपको ये लगता है की आपकी जिंदगी बहुत आसान होगी she accepted me at a stage in my life कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया था मतलब I used to run a very nice multi-million business hmm. सारा बैठ गया मेरी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स आई एवरीथिंग एंड मैं सिर्फ बारहवीं पास हूँ hmm. उस टाइम भी

और मुझे ये लगता था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता मेरा बिजनेस बंद हो गया तो मुझे हिस्ट्री इज माई पैशन एंड माई हॉबी आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर तो उसने मुझे बोला कि तू सात साल यहाँ पे पढ़ कनाडा में आई विल पे योर फीस एंड एवरी थिंग और बट wow. मैं उस टाइम थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा हुआ था तो मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी ट्रैवल से वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लोगों के तो थोड़ा सा वो किक ऑफ कर गया एंड देन शी वॉज लाइक द रीज़न उट ऑफ माई डिप्रेशन मैं आपको बहुत खुश लगता हूँ तो इसलिए तो हाँ हम उम्मीद करेंगे उम्मीद नहीं थी तब मिल गया तो सबको आपको... आपको स्वदेशी पसंद है या विलायती भी चलेगा विलायती था या 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 दोनों चलेगा बट मेरे को देसी ज्यादा विलायती को ज्यादा अप्रूव नहीं किया है <laughs> नेडा आप <laughs> आप <laughs> जैसे आपकी टोन है ना पूरी प्रॉपर जैसे कहते हैं हरियाणवी स्टाइल है ना जो आपका स्टाइल बंदा कह सकता है दिस इज लाइक द सन ऑफ द लाइक इन एनी बी योरसेल्फ तो वो जो है ना वो फ्रेंच कनाडा का ऐसा बंदा है ओ, ऐसा ही बंदा <laughs> तो ऑलमोस्ट उसको बोले no though, know, know, but but उसको बोलेगा बोलेगा मेरे को इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के रिप्लेस हिम दो बट बट पे डीएम छोड़ देने के लिए अच्छा आ, चलो ठीक है हम डीएम ठीक है फिर एक बार घर की टूर ले लेते हैं ट्रैवल के बारे में

ठीक तो है तो खराडो की हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पीस ऑफ आर्ट है अपने आप में एंड इट्स सैड दैट इट वोंट बी हियर फॉर टू लॉन्ग मैंने सोचा कि मेरे जाने से पहले दुनिया तो भर के ट्रैवल ब्लॉग देखते हैं तो ये सबके साथ मिलके एक ट्रैवल ब्लॉग इस घर का भी बना या 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 तो अभी दूसरा जगह चले हाँ जी हाँ जी प्लीज थैंक यू डाइनिंग 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 मैंने तो नोटिस कर लिया सो के सब के से यू नो you know. और मनीषा रानी का ज़ोन ज़ोन है अच्छा ओके ओटीदी जोन, ओटीदी जोन, जोन, ओके ओटीटी जाते हैं थोड़ा बैठ भी जाओ तो मतलब ऑटोमेटिक नींद आने लगेगा ऐसा है ओके कंफर्टेबल ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और पता भी नहीं चलता कब सो गए कुकड़ू और फिर तुम्हारी

आपकी मर्जी हो ये मर्जी होगी। की लगती है। <laughs> भगवान भग्पा, का आशीर्वाद होगा तो ये हमारा उसकी कुल। पहले। आइए अच्छा, ठीक है। हम लोग अंदर जाते हैं। मेरे को अभी तक बस एक ही बार बुलाया गया हम चाहते हैं की एक दो बार बिग बॉस और बुलाए डाइनिंग टेबल पे कन्फेशन लगा देंगे मसाला मिलेगा नहीं आप अच्छा बोल रहे थे कुछ मसाला लगाई हैं हाँ जी चाय मैं पी ओके? यार आपके राशन वगैरह की प्रॉब्लम जो राशन नहीं? का नहीं चाय चाय बन जाएगा बोल चाय मैं पीता नहीं होता थैंक यू सो वेरी जस्ट सम वाटर वुड बी गुड हाँ। पानी थोड़ा सा मेरे को हिंदी पे थोड़ी सी अपनी उकानी पड़ेगी एक्चुअली मेरी बीवी हिंदी नहीं बोलती ना मैं ओरिजिनली फरीदाबाद पैदा हरियाणा में हुआ था बट रूट से पंजाबी हूं ऐसे करके मैं एनाली बोली नहीं बोल सकता मैं जड़ी पंजाबी जितने कोई बात

मैम अपनी मदर के साथ आरवी कोविड के टाइम पे मैंने एक आ, मोटर होम खरीदा था सेकंड हैंड तो उसको लेके उस टाइम पे सबसे पूरी कनाडा की रोड ट्रिप एपिसोड्स यूट्यूब पे शेयर किए बजट ट्रैवल ब्लॉगिंग उससे पहले कर रहा था अब मैंने रिसेंटली यूएसए में एक और खरीदा नया और मेरा प्लान है की उसको ट्रैवल मैंने कर लिया अब उसको एक शिप पे डाल के उसको मैं भेजूंगा यूरोप और फिर यूरोप ट्रैवल करूंगा अपनी वाइफ और मदर के साथ वंडरफुल क्या खरीद लिया आपने यूरोप मोटर होम

और यहाँ तक कि इमिग्रेशन वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आप तो शादी शुदा हो सब हो आप लेते, जी क्यों, लेते क्यों नहीं सिटीजनशिप हम नहीं लेते हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान आ, से प्यार है आ, कितने साल हो गए आपको अब वहाँ पर है कनाडा में हाँ। मैं एक्चुअली टेक्निकली वहाँ पे होनी सर्दियाँ वहाँ बड़ी डाडी पड़ती है ना और मुल्क बदले नहीं जाते नहीं बदल सकते नहीं तो मैं हम सर्दियों में इधर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे माइनस तीस माइनस पच्चीस कुछ भी जा सकता है और गर्मी में और वैसे भी मैं साल में आठ महीने तो ट्रैवल वीडियोस ही बना रहा हूँ तो मैं एक जगह पे होता ही नहीं तो इसीलिए बस मैं यही कह सकता हूँ मुंबई के लिए, या फिर यहां भी दो लिए। दो ने के लिए तो आना ही आना था अच्छा। बट मैंने सोचा की आए ही हूँ तो एक काम साथ में और कर लूंगा अच्छा। वो कुछ गाड़ी से रिलेटेड है पता नहीं मुझे अलाउड है कि नहीं यहां पे बताना। बट या बाहर की बात नहीं कर सकते अभी फिलहाल कोई बात बात कर सकते बाथरूम एरिया है और ये चार बाथरूम है एक नहाने का और इधर और आप देख सकते हो ये किस चीज से बना है हाँ। नाइस बहुत बढ़िया और आप लोग वैसे घर ऑर्गेनाइज्ड बहुत हो तो बहुत रखते हैं। <laughs> ये, ये का, का कि पूछना चाह रहा था आपसे पर्टिकुलरली की कौन है क्योंकि हमारे यहाँ जैसे शुरू से हम लोगों को हैबिट होती है डोमेस्टिक एड्स घर में होते हैं हेल्प करने के लिए जी. तो अब मेरी घरवाली क्योंकि बाहर की है सारे वहाँ के तो उनको हैबिट होती है कि रात को भी अगर आपने एक बाहर जोड़ी नहीं छोड़ी तो बस, वो आपको के ही सोने सारी चीजें वो करनी है मेरी भी वैसी आदत है घर पे अच्छा कल एक ब्राउनी का बाउल था अच्छा पूजा दिन आया दो बार तो साफ कर अच्छा अभी तो आप लोग सारे बहुत ट्यून्ड बहुत क्योंकि मेरे ख्याल से हो सकता है है शायद कोई बार वाला है, बट आपकी ऐसे लग रही है सारे सेटल हो गए सबने एक दूसरे के प्रोज कॉन समझ लिए हैं वीक मोमेंट्स वीकनेसेस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं हल्का फुल्का एडजस्टमेंट भी चल रही है बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है थोड़ा सा फ्रेजाइल है ये हाँ है। मतलब टूट सकता है आसानी से रो कभी भी। एक कुछ हुई है अंदर सारी हो सकता है कुछ आने वाले जैसे जैसे मामला टाइट होता जाएगा ना लेकिन नहीं नहीं चाह नहीं रहा हूं मतलब बढ़िया बढ़िया चलता रहे मगर कॉन्टेंट या टी आर पी वो Uh, मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी की गुलाम नहीं होती तो इसीलिए आप लोग हम मैं बिना कोई कंट्रोवर्सी के चार साल से तो ठीक ठाक भगवान की दया से चला रहा हूँ कॉन्ट्रोवर्सी और इस नेम ऑफ़ द भट्ट सो भाई मैं सबसे ज्यादा यूट्यूबर से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ तो बोथ ऑफ यू ठीक है कॉन्टेंट एंड कल्ट दो चीजें होती हैं इन सोशल मीडिया मेरा ये मानना है कि एक व्यू जो कंटेंट लेके आता है मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ जैसे अगर मैं स्विट्जरलैंड के ऊपर एक सीरीज बनाता हूँ कि बजट में आपने कैसे घूमना है तो उसमें स्विट्जरलैंड के लिए व्यूज आएंगे या पब्लिक आएगी देखने के लिए मगर अगर मैं ये बनाता हूँ कि मेरी वाइफ कनेडियन है और हमको कल्चरल चैलेंजेस क्या आते हैं या मैं उसको कभी मंदिर लेके गया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था वो मुझे चर्च लेके गई मेरा वो पर्सनैलिटी बेस्ड वीडियोज़ हैं व्लॉग्स हैं जो कि एक कल्ट फॉलोइंग भी बिल्ड कर सकते हैं कल्ट थोड़ा सा स्ट्रॉग वर्ड है बट स्टिल अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऑब्जर्विंग देम आउट ऑफ शेयर एक्सपीरियंस जी कि आपने बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन एवरीथिंग फ्रॉम लाइक एन इन बिटवीन और आपके इस सारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए आपको क्या लगता है कि कल्ट फॉलोइंग में फिलहाल कौन हो सकता है जो लीड कर रहा हो एवरी वन आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स की क्योंकि जब वोट मांगा जाता है ना वो आप अपने सबसे डाई हार्ड

अलग से सिचुएशन क्रिएट करता है हाँ। तो मैंने कहा भी कि एक बार मुझे ले जाओ ऐसे चैलेंज में जहाँ पे एक अजीब जगह में जाके 24 घंटे में एक साथ बताएंगे बट आई थिंक कि ये जो हमारा वाइल्ड कार्ड है ना हाँ, आया है और उन्होंने क्योंकि इनको ये फीलिंग आती है कि आप तो हम हम जैसे सीनियर है नहीं आई थिंक इट्स ऑफ योर लाइफ

ठीक है और जैसे उसका वो भी यूट्यूबर है बट है उनका जोन अलग था उनका जो था कुर्सी पे आ रहा हूँ आपसे पूछने के लिए क्योंकि व्लॉगिंग का तो थोड़ा बहुत मैं समझ पाता हूं। मगर आपका कंटेंट जो है इफ़ यू एक्सक्यूज मी आपका इज अराउंड चैलेंजेस और वो चीजें जनरेट करना जो अपने आप में कंटेंट पे भी व्यूज ले सकती हैं तो अगर कोई चैलेंज चैलेंज कोई भी कर सकता है

बस उनसे उम्मीद है कि यहाँ पर भी वो समझे ज्यादातर किसी से पूछा जाए कि भाई किसके सबसे ज्यादा चांस है तो नाम आपका आता हाँ है मैं अपने लिए तो आई फील लाइक अनर आई लाइक अनर उसकी कहीं एक बहुत बड़ी वजह ये तो नहीं है कि आपको माइंड से ये लगता हो क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है नहीं मेरे को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए हैं मुझे ऐसा लगता है जर्नी मैंने अप,

<laughs> वेटिंग ना रह जाए बस बाकी बेस्ट ऑफ लक मुझे बात मैं कर रहा था एलवेश भाई से मैंने कहा लगता ये है कि मेरे को तो मेरी उम्मीद से ज्यादा काम लग रहा है ये बंदा राइट बट या तो ऐसा होता है कि ये फिर मेरे को कह रहे हैं कि मैं आम तौर तो पे रहता ही काम हूँ ये आप आपकी बात तो मैं नहीं मानता यहाँ पे पांच लोग हो रहे हैं उनसे पूछ लू ये आमतौर पे ऐसे इतना काम रहता है इतना नहीं है? अगर आपका और की दुकान खुलेगी शांत ठीक है वो हर किसी से होता है कोई भी नया बंदा आता है तो आप थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं अब आप क्या कर मतलब की मुझे ऐसा लगता है जैसे जिस टाइप की कॉन्वर्सेशन चल रही थी अभी तो उस हिसाब से हाँ। रहूं जैसे अभी जोक मारने की नीड नहीं थी तो हाँ हाँ। कहां से आ, हाँ। मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में इसका बहुत बड़ा रोल है इस तरीके से कि आपकी जो शॉर्ट्स या जो वायरल रील्स वगैरह बनती हैं वो होती हैं पर्टिकुलरली जो आपने कुछ कई बार श्रूड या रूड या फनी या इन अ वे इंसल्टिंग या फिर आप ये लगा लो कि फनी ओवर फनी बहुत कॉमिक बात करियो क्योंकि यही सारी पांच छह चीजें ना जो सोशल मीडिया पे दे 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 जिनको वैल्यू वैल्य। मिलती है तो लोग, आ, लोग बहुत कम है तो क्योंकि वही एक के बाद एक जैसी आती है तो लगता है ऐसा है की अलवेश यादव जो है पांच उसी टाइप की चीजें बंदा देख ले तो शायद है बट पर्सनली मेरे को तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा मैं आपसे सब ये पूछ लू की अब यहाँ से जब आप जब भी फ्री होते हो सूनर और लेटर तो सबसे पहले आप लोग घूमने कहा जाओगे घूमने कहा जाऊंगा ट्रैवल कहाँ करोगे मैं एम्स्टर्डम सोच रहा था अच्छा, कि वहां जाकर एक पार्टी करेंगे ठीक है ठीक है वाली पार्टी ठीक है लास्ट टाइम कब गए एम्स्टर्डम गए होगा नहीं ठीक है जाना है तो बस फिर मैं ले जाऊंगा आपको एम्स्टर्डम मैं घुमाता तो हूँ पूरी तीन सीरीज बना दूंगा उसके ऊपर ठीक है गीता भी अरे वो दो तो आंसर कॉमन आ गए

ओके नाइस ब्यूटीफुल कोस्ट नाइस nice. <laughs> <laughs> इंटरेस्टिंग आप आई गो यूरोप 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 में कहाँ पे यूरोप में ओवरऑल ओवरऑल अच्छा बड़ी ट्रिप करनी है। जो मैं काजोल निकल जाती है कि मुझे यूरोप न... अच्छा आगा अच्छा आगा अच्छा आगा। अच्छा अच्छा मेरे बाबूजी भी वैसे ही स्ट्रिक्ट टाइप्स से जो काफी कन्फाइनिंग थे और मुझ में वो इंक्विजिटिवनेस है कि मैं जाके एक्सप्लोर करूं अच्छा गुड तो उन्होंने बता दिया एमस्टरडेम बता दिया लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ से निकलने घर का ही टूर कर रही हूँ हाँ, वो तो है यार इतने टाइम से मैं तो <laughs> मेरे को ये लगता है कि हर किसी के अंदर तीन चार चीजें होती है ना एक फ्रीडम की सेंस होती है एक फूड की प्रेफरेंस होती है आप लोगों को जो अपनी क्योंकि मैं जब ट्रेवल करता हूँ सबसे पहले वापस आके जब भी आता हूँ आई गो टू तो माई फेवरेट प्लेसेज की यहाँ ये खाना है यहाँ वो खाना है ये खाना है

पहले बिहार वापस जाना है क्योंकि वहाँ मेरा थोड़ा एकदम ऐसा वाला स्वागत हो अच्छा, मतलब मतलब <laughs> जाते ही सर मतलब पूरा ऐसे भीड़ भीड़ लग जाएगा मेरा लोग चार पांच कार अगर भाड़ा पे ले आए बाइक बाइक सब मनीषा रानी <laughs> <नहीं>। मनीषा रानी <laughs> तो हम वो सब चाह रहे जो हमको बिहार में ही होगा हमको पता है मतलब मुंबई में होगा बट इतना नहीं होगा ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा होगा चलो बढ़िया और पूरे फैमिली से मिलना भी है तो सबसे पहले हम बिहार जाएंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप कहा जाओगे सर मेरी तो फैमिली ट्रिप थी अच्छा, क्या करते है? देखो वो जैसे के, के हैं चाहे है हाँ। वो हथौड़े अच्छा। तो हाँ मारने से लेके पेड़ काटने से लेके घर की छठ ठीक करने से लेके हर चीज प्लम्बिंग से लेके सब कर उसकी अपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन टाइप का काम है पहले। हाँ, मैं पहले। <laughs> था था आ, पे वो मेरे साथ गए होगी चले वेरी नाइस मीटिंग यू। भाई। है, चलो मिलेंगे जब भी आप लोग की ऑडियंस भले ही इंडिया हो बट जब कनेडा से आए ना तो बोलने में लगे की यार मेरा विदेश से भी वोट आया समझ रहे वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है की विदेश से भी लोग वोट कर रहे हैं तो आप कनेडा वाले लोग से वोट करवाइए अच्छा ठीक है ठीक है

appreciation Hi. और Haji. gratitude जब भी रखते हैं दिल में ना तो <laughs> absolutely she is what I am so आप उनका नाम क्या है घर में Sandra Beauchamp love to you <laughs> Sandra. Sandra. आपका वाला बहुत सही है ऐसा वाला ही मिले। <laughs> <laughs> wow, will, uh, मुझे ऐसा पता ही नहीं लगा आपने कुछ <laughs> कहा था आ रहा है अच्छा ठीक <laughs> अच्छा <laughs> <कहा laughs> है <कहा laughs> <कहा laughs> टली yeah. right. yeah. okay. okay. right. okay. जी एक्साइटमेंट में मैंने मनीष को गे अपने साले के बारे में बता तो दिया मगर मेन चीज है उसको ये भूल नहीं भूल गया कि उसका तो दस बारह साल का लड़का भी है तो कनाडा जैसे सिस्टम में तो ये काम फिर भी चल सकता है मगर अपने इंडिया में शायद डील ब्रेक करो बाकी जी अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी ठीक ठाक लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और हमारी जर्नी जो कि दुनिया भर के ट्रैवल की है अपनी फैमिली के साथ कभी अकेले अलग अलग तरीक़ों से करने की कोशिश चलती रहती है उसको अगर आपने ज्वाइन करना हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ज़रूर दबाते जाइएगा हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता रहेगा